अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिदा परवीन हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और पनीर के बहुत ही टेस्टी से सैंडविच, जिसे आप सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हो और शाम की चाय के साथ भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आलू और पनीर के सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये चार पीस ब्रेड ले लिया है। ये मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर दो पनीर के पीसेस ले लिया है, ब्रेड के साइज़ में मैंने इसे काट लिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दो आलू बॉयल करके रखे थे, इसको मैंने चाट मसाला, धनिया और लाल साबुत मिर्च, ज़ीरा, इसे रोस्ट करके मैंने पीस लिया और इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें धनिया पत्ती और एक हरी मिर्च भी मैंने ऐड की है, नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया है। इसकी स्टफिंग मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। अब ये जो स्टफिंग मैंने आलू की तैयार की थी, इसको हम ये इस चम्मच से ये ब्रेड पर इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर ब्रेड पर मैंने ये आलू की स्टफिंग अच्छे से लगा ली और इस पे ही मैंने ये पनीर का पीस रख दिया है। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा पीस मैंने इस पीस पे अच्छे से कवर करके रख दिया और इसे ब्रेड को मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया है ताकि दोनों ब्रेड के पीस आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरह से, और इस पे भी मैंने ये पीस, पनीर का पीस इस पे रख लिया है इस तरह से। और दूसरा पीस हम इससे इस तरह से कवर कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस काफ़ी अच्छे से तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। इसी के साथ यहाँ पर मैंने गैस पे ये तवा रख दिया था, इसमें मैंने एक चम्मच घी ऐड किया है, आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। घी गर्म हो गया है तो हम इस पे ये ब्रेड का पीस रख देंगे और इसे अच्छे से एक साइड से क्रिस्पी होने तक के सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे रखा है। फ्रेंड्स, मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ घी में। आप इसे बेसन के घोल में डिप करके, डीप फ्राई भी करके इसे ब्रेड पकौड़े के रूप में भी खा सकते हैं, बना के खा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा एक साइड काफ़ी अच्छे से सीख चुका है तो मैंने इसको पलट दिया है। इसी तरह से हम दूसरा साइड भी ऐसे ही सेक लेंगे। और यहाँ पर हमारा ये सैंडविच पनीर और आलू का बन गया है, बन के तैयार है। और इसी के साथ मैंने दूसरा पीस भी इस पे तवे पे रख दिया है और इसे भी हम इसी तरह से सेक लेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया है। हमारा दूसरा पीस भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है तो हम इसे एक चाकू से ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आलू और पनीर के सैंडविच काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।